अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर कतर से आ रही है, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। अब साथियों, ये कतर के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, पूरी दुनिया में जितने भी मरीज हैं जो डायबिटीज़ 2 जिन्हें हुआ है, यानी शुगर, तो शुगर जो बीमारी होती है दोस्तों, वो दो तरह का होता है, एक डायबिटीज टाइप 1, एक टाइप 2। तो एक में दोस्तों टैबलेट वगैरह खाया जाता है, एक में इंसुलिन लिया जाता है। तो साथियों, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उनका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। तो कतर के साइंटिस्टों के द्वारा वहाँ पे दोस्तों को रिसर्च किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इनका भी इलाज निकल सकता है। इन द फ्यूचर खबर को आप पढ़ सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ अनलॉकिंग पॉसिबल ट्रीटमेंट इन द फ्यूचर, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट फ्यूचर में इसका निकाला जा सकता है। अब साथियों, यदि डायबिटीज़ के बारे में पूरी डिटेल बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर दोस्तों जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए आने वाले वक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी गुड न्यूज़ है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसका इलाज निकल जाए। अगली खबर दोस्तों यार, थोड़ी बुरी खबर। साथियों, पहले वीडियो के सुन पर इस बंदी का फोटो देख लीजिए। साथियों, ये इनका नाम ये है फॉर्मर हार्वर्ड ऑनर मोहम्मद अल फयाज साहब। इसके बारे में कुछ दोस्तों मैं बात बता देता हूँ। साथियों, इनका नाम है मोहम्मद अल फयाज, जो कि इजिप्ट के बहुत ही बड़े दोस्तों बिजनेस टाइकून हैं, और ये ऑनर है लंडन अपार्टमेंट स्टोर हैरोड्स का, जो लंडन बहुत बड़ा दोस्तों इसका एक तरह का चेन चलता है। साथ ही उनकी फैमिली वहाँ पे कल के दिन इंतकाल हो चुका है, तो ऑफिशियली मिस्र के हुकूमत की तरफ से दोस्तों ये अनाउंसमेंट किया गया। तो कतर में दोस्तों, कतर के मिनिस्ट्री की तरफ से भी दोस्तों इस पर दोग जताई गई है, तो इनकी दोस्तों मौत हो चुकी है। अगली जो खबर दोस्तों आ रही, साथियों वैसे ही 2-3 दिन हो गया, लेट हो चुका है, पर फिर भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यदि आप सितंबर में हो, सितंबर का महीना चल रहा है, गाड़ी वगैरह को ड्राइव करते हो, गाड़ी को चलाते हो, तो साथियों गाड़ी को ड्राइव जो भी भाई लोग आप लोग करते हो, तो उसी कतर फ्यूल प्राइस को जारी कर दिया गया है। तो यदि कतर में आप अभी तेल वगैरह को भराते हो, तो साथियों इस प्रकार का होगा, गैस लाइन खरीदते हो तो उसके लिए आपको 1.9 कतर रियाल पर लीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे यदि आप सुपर गैस लाइन खरीदते हो तो उसके लिए आपको 2.10 कतर रियाल पर लीटर के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे यदि आप डीजल खरीदते हो तो उसके लिए 2.05 पर कतर रियाल के पेमेंट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो जो भी भाई लोग आप लोग ड्राइविंग वगैरह करते हो, तो देख लीजिए ये प्राइस, ये तेल की प्राइस की लिस्ट है, इस महीने यही चलेगा, हो सकता है अगले महीने कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, पर ज़्यादा नहीं होता, कुछ पॉइंटों का फ़र्क होता है। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है सर, वेरियस काइंड ऑफ ड्रग्स सीज फ्रॉम द पैसेंजर एट अबू समरा बॉर्डर। दोस्तों अबू समरा बॉर्डर में लगभग 1 से 2-3 दिन पहले भारी मात्रा में नशीली पदार्थ को जब्त किया गया, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कैप्सूल वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, और दोस्तों जो भी चीज़ें होती हैं नशीली चीज़ें, वो सारी चीज़ों को पकड़ा गया है अबू समरा बॉर्डर पर। तो इसमें जो भी लोग इसमें शामिल थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया, सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।